नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्पर्शिता श्रीवास्तव और आज इतिहास के पिटारे से लेकर आई हूं मैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत आदि देशों में रहते हैं। दो शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और जागृति। इस धर्म के लोग मानते हैं कि कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, वही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बौद्ध धर्म के हिसाब से चार आर्य सत्य हैं। पहला है दुख। इस दुनिया में हर चीज में दुख है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, सब में दुख है। दूसरा है दुख का प्रारंभ। दुख का प्रारंभ होता है तृष्णा या चाहत से। दुख निरोध, तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा है दुख निरोध का मार्ग, तृष्णा से मुक्ति के आर्य अष्टांग मार्ग। ये अष्टांग मार्ग है सम्यक दृष्टि यानी सत्य में विश्वास रखना, सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाक हानिकारक बातें और झूठ न बोलना, सम्यक कर्म यानी हानिकारक कार्य न करना, सम्यक जीविका कोई भी हानिकारक व्यापार न करना और सादा जीवन व्यतीत करना, सम्यक प्रयास अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहना, कुछ सीखने की कोशिश करते रहना, सम्यक स्मृति स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक समाधि यानी निर्वाण पाना और स्वयं का ज्ञान होना। कुछ लोग अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो चार दृश्यों को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव तथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं को देखकर और दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्ट क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से साख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और जिस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधगया कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट कर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। उनमें से कुछ स्तूप हैं सांची के स्तूप, अमरावती, उदयगिरी और शांति स्तूप। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैटान अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनुश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के शीर्ण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और दूसरे थे उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है जो कि है बुद्ध, धम्म और संघ।
चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया, हीनयान तथा महायान। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। भारत में आज करीब 80 लाख लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और भारत में बौद्ध धर्म के लोगों का भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी को दर्शाते हैं कई गुफाएं, जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं, कान्हेरी, कालरा, बाराबर की गुफाएं, कई मंदिर जैसे महाबोधि मंदिर। और बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा प्रचलित करने वाले कुछ शहर हैं भारत में, बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बी, धर्मशाला और कुशीनगर, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचारक भगवान बुद्ध से अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया। दोस्तों, आशा है कि बुद्ध धर्म से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले इतिहास के पन्ने में हम लाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियां आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए स्पर्शिता श्रीवास्तव को आज्ञा। नमस्कार।